हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो जो लास्ट केस मैंने पोस्ट किया था, उसका जो एंट्री रूब्रिक के बारे में डिस्कशन के लिए मैंने आप लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था, तो मैं जो एंट्री रूब्रिक है आज पुट अप करूँगा आप लोगों के सामने। और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा आप लोगों का। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल कि दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन एंड इट इज़ अ टू वे लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो केस था, इसके अंदर में आप लोगों ने जो बोला है हेल्पलेसनेस, डिल्यूजन, ट्रैप्ड, ये एक्चुअली इसके अंदर में है। तो आप लोग हो इस केस के अंदर में, आपने जो रूब्रिक जितने भी डाले हैं वो कहीं ना कहीं फिट होते हैं। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने उस केस के अंदर में देखा और जो इंटरप्रिटेशन लगाया, मैं अपना इंटरप्रिटेशन आज पुट फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये जो पेशेंट था, ही वॉज एक्चुअली नोइंग कि सिचुएशन कैसी है, बाहर जाएगा तो क्या होगा, जॉब छोड़ेगा तो क्या होगा, पार्टनर से डिस्कशन करेगा तो क्या होगा। एंड इस चीज़ का बहुत बड़ा फियर था उसके अंदर में कि मैं अगर बात करूँगा तो क्या होगा, पार्टनर क्या करेगा मेरे साथ, और जब मैं अगर उसने मुझे निकाल दिया तो बाहर जाकर के मेरी क्या सिचुएशन या क्या हालत होने वाली है। तो द रूब्रिक इज कॉन्शियसनेस। तो ही इज कॉन्शियस कि उसके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, डिसेप्शन हो रहा है और चीटिंग हो रही है, उसको सब कुछ पता है। तो देर इज कॉन्शियसनेस, बट ये कर कुछ नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। सो द रूब्रिक इज कॉन्शियसनेस पैरालिसिस विथ। तो ये रूब्रिक मैंने यहाँ पे फिट किया था। दिस वॉज वन ऑफ द रूब्रिक विच आई यूज्ड, ऑफ कोर्स एज अ सपोर्टिंग रूब्रिक। तो आई थॉट कि ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, इट इज वर्थ शेयरिंग विथ यू पीपल। तो आई थॉट कि एक केस आपके सामने इस तरह से पुट अप करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच।